उसके नीचे कैमरा लगा रखा मैंने कहा। तो गाइस इस लोकेशन को करते हैं बाई। ये है गाइस प्लेटफॉर्म, काफी बड़ा है दिल्ली का। पहुंच गए गाइस देहरादून अपने शहर, कैसे प्यारा लग रहा, बिल्कुल ठंडा सा। पहुंच गए गाइस रूम पे ना के जी। कोई फायदा नहीं है जिसका अपना टाइम देगा छोटा, क्यों अभी भी कितनी है उसकी घंटा का। सबसे पहले तो गाइस ये रहा ITC ग्रीन का, जिसमें हमारा ITC होटल। निकल गए अपनी मंजिल की ओर, बट ट्रैफिक दुनिया भर का लगा हुआ भाई, आगे तक जहाँ तक नजर जा रही। दो दो ट्रेन एक साथ जा रही, इसके आगे भी एक ट्रेन है। क्राउड चेक करें, क्राउड। नहीं नहीं मेरे को गिफ्ट वगैरह दिए तो मैं ठंडा। हाँ रात को ठंडा था, आज चादर ओढ़ लिया था मैंने टाइम पे चादर पकड़ ली थी। उसके नीचे कैमरा लगा रखा मैंने कहा। उसमें सांप दिख जाएगा ना, जब भी तब से हाँ चलो चलो। तो निकल चुके हैं गाइस यहाँ से। हाँ जी, अरे हाँ है तो हमारे पास फोटो फ्रेम, यहाँ से निकल चुके हैं। तो लो जी लो निकल गए हैं वापस, आज से ट्रेनिंग खत्म, सबको कर दिया है बाय बाय। जो जो रूम पे मिलेंगे मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे उनको भी बाय बाय। गर्मी बड़ी गंदी है इधर भाई, बहुत ही गंदी गर्मी। हाँ लू चल रही जो ना, वो कितना टेम्परेचर दिखा रहा होगा, 45 तो होगा, 45 42 आसपास होगा। एक बार तो यार डरा दिया था जिस दिन मैं आ रहा था, एक दिन पहले ना। अच्छा 41 है, हाँ मेरे को भी बोला कई होने की भाई, दुबई में होता है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, आई होप यू गाइस ऑल गुड। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज दिन की शुरुआत जो है वो दिल्ली से ही हो रही है, आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा दिल्ली से। अगर जिसने नहीं देखा हो, मैं हम दिल्ली आए थे कॉरपोरेट ऑफिस ITC ग्रीन का, जो ITC ग्रीन का इधर कॉरपोरेट ऑफिस है, हेडक्वार्टर वहाँ आए थे। और आज क्या है, आज न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी वापसी है आज की। तो आज जाएंगे हम वापस कहाँ, देहरादून। देहरादून जाएंगे, फिर उसके बाद मसूरी जाएंगे, फिर मसूरी, क्योंकि हमारा कितना था, 2, 3, 4, 5। तो 5 तारीख तक हमारे इधर ट्रेनिंग का शेड्यूल था, आज 6 तारीख और टाइम हो चुका है 11:30। और ट्रेन टिकट है बॉस मेरी 3:30 बजे की ट्रेन टिकट है, और पैकिंग वगैरह मेरी हो गई है, और ट्रेन का मैसेज भी आ चुका है। यहाँ से मैंने पूरा खाली कर दिया है, अपना सारा सामान रख दिया है। तो गाइस अभी अभी ट्रेन का जो था मैसेज आया, मैसेज क्या है कि ट्रेन नंबर और ट्रेन नंबर तो खैर पहले था, बट अब कोच नंबर आया उसका और सीट नंबर आया कि किस बोगी में जाना है, क्या है, पहले नहीं था। रीजन क्या था, आगे CNF लिखा होता जो कि मतलब तुम्हारा
सीट जो है रिजर्व हो चुकी है, बुक हो चुकी है, बट आपका जब चार्ट प्रिपेयर बनेगा तो जो भी होता होगा, मेरे को भी इतना डिटेल में नॉलेज नहीं है उस चीज का, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने ट्रेवल किया है ट्रेन में। अब सोच रहा था 12 बजे निकलूँ, क्योंकि उस समय बोगी का पता करना था, सीट नंबर का पता करना था। अब थोड़ी देर में निकलूंगा, 1 बजे निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत गंदा है। और उबर बुक करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो गाइस इस लोकेशन पर करते हैं बाय, रेडी हो चुके हैं, झोला टांग लिया, एक बार ढंग से चेक कर लेता हूँ कुछ छोटा तो नहीं है, चलो देखना जरूरी है। गर्मी हो गई भाई साहब बड़ी गंदी वाली, आज तो फिर भी कम है। ये थी गाइस लोकेशन, ये जो ITC का है, और इस तरफ से कुछ ऐसा था। करते हैं यहाँ से उबर बुक, आज इतना गर्म तो नहीं है, ठीक है, 38 का टेम्परेचर है। मैं सोच रहा था मैं ही लास्ट हूँ, बट अभी हैं इधर 3-4 लड़के। गाइस अपनी उबर, बंदा आके फोन भी नहीं कर रहा। पहुंच गए गाइस रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन है मेरी 3 बजे की, 3 के 3:30, 1.5 घंटे पहले आ गया मैं। बड़े बड़े भी क्या कर रहा था कमरे पे। तो निकल चुके हैं गाइस ऊपर प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर है 11, चेकिंग वगैरह हो गई है। ये है गाइस प्लेटफॉर्म, अभी बड़ा है दिल्ली का। जी लोग निकल चुके हैं दिल्ली से देहरादून के लिए, रेलवे का ट्रेन कितना साफ रहता है शीशा। दो दो ट्रेन एक साथ जा रही, इसके आगे भी एक ट्रेन है। पहुंच गए गाइस हरिद्वार, पहुंच गए गाइस देहरादून अपने शहर, कैसा प्यारा लग रहा, बिल्कुल ठंडा सा। भाई साहब बहुत पीछे रह गए, आगे जाना पड़ेगा और अपलोड हो। इस बार ही सबसे पीछे थे हम। ओहो क्राउड चेक करें, क्राउड तो यही कहीं है गाइस अपनी गाड़ी। अहो दिलावर भाई, भाई साहब इतना अच्छा लग रहा ना वापिस आके, इतना अच्छा लग रहा ना वापिस आके वो गंदी गर्मी से। बस बढ़िया, कहाँ पे खड़ी करेगी तुमने धरना? आपका 30 रुपए खुले है, 30 रुपए आपका खुले है, दे दूंगा, किसको देना है? मेरे पास निकल गए अपनी मंजिल की ओर, बट ट्रैफिक दुनिया भर का लगा हुआ भाई, आगे तक जहाँ तक नजर जा रही। लो जी लो पहुंच गए घंटाघर, ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा,
ये रहा गाइस घंटाघर। अच्छा जी, कोई फायदा नहीं है जिसका अपना टाइम देगा छोटा। क्यों, अभी भी कितनी है उसकी? लो जी, लो पहुंच गए मसूरी। अब करते गाड़ी स्टार्ट, फिर चलते घर। अब मसूरी का ऑलवेज ट्रैफिक यही मिलेगा। नहा धुल के बिल्कुल अभी आया मैं, जस्ट बिल्कुल फ्रेश हो गया मस्त करके बिल्कुल। अभी मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉग एंड करने के ना करने का रीजन क्या है अभी, क्योंकि जो कंपनी ने मेरे को गिफ्ट वगैरह दिए तो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि मेरे को क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, तो वीडियो में बने रहे। कल मिलते हैं सुबह, अभी बज रही 11:30। मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बारी आ गई है दिखाने की कि मैं क्या दिया है मेरे को कंपनी ने। एक्चुअली में बॉक्स तो मैंने फेंक दिया है, बट वो रखी है मैंने क्योंकि लाने में दिक्कत थी, तो दिखाते हैं। पहले तो गाइस ये रहा ITC ग्रीन का, जिसमें हमारा ITC होटल, मेमोंटोस वेलकम, सब वो स्टोरी फॉर्चून वेलकम मेरिटेज सारे उसके हैं भाई ITC के। और बारी आती कप की, फूट गया था अभी, वन मोर कप। देन बारी आती है, ये दूध डालने के लिए होता है बेसिकली, और ये शुगर रखने के लिए होता है। एक आए सॉसर, ये रहा गाइस सॉसर, वन मोर सॉसर, और एक और चीज है जस्ट अ सेकेंड, ये लो, ये रहा गाइस, ये कंपनी ने गिफ्ट पैक दिया है केतली, ये दूध के लिए हो गया, ये शुगर के लिए हो गया, ये दो जोड़ी कप हो गई, तो ये रहे। आई होप गाइस आपको मेरी दिल्ली की सीरीज पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को क्या करें, इसी बात पे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।